डियर फ्रेंड्स, मैं चियांग बार्स स्टूडियो से बोल रहा हूँ। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी सरकार का 9 ईयर्स और पेमा खांडू सरकार का 7 ईयर्स, 9 ईयर्स का अंदर मोदी जी ने कितना काम किए हैं उसका बारे में मैं थोड़ा यहाँ साझा करना चाहूँगा। और ये जो प्रेस ब्रीफिंग है, अभी हम लोग एक प्रोग्राम चल रहा है, जैसे कि 30 जून तक हम लोग प्रोग्राम चल रहा है। तो इसका अंदर में, प्रोग्राम का अंदर में एक विधायक अपना विधानसभा क्षेत्र में एक प्रेस ब्रीफिंग करना है बोल के हमको आदेश दिया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ आज कायिंग में बैठा है और प्रेस ब्रीफिंग करने जा रहा है। हम इतना लंबा चौड़ा हम प्रेस ब्रीफिंग नहीं देंगे। 9 साल में मोदी जी ने काफ़ी बेशुमार काम किए हैं, मगर मैं सबको उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन एक दो बिंदु पर हम केंद्रित करेंगे। पहला काम जो है मोदी सरकार का, वो आयुष्मान भारत के तहत एक हाउस होल्ड को 5 लाख मिलते हैं। उसी 5 लाख से एक परिवार से एक आदमी बीमार होने से, बच्चा या बीवी बीमार होने से, बड़े बड़े एम्पेनलिस हॉस्पिटल में इलाज कर सकते हैं। जैसे हम लोग का विलेजर्स, हम लोग का लोग, गरीब लोग, बच्चा बीमार होने से, बीवी बीमार होने से, हम क्या करते हैं, अपना लैंड को, अपना धन संपत्ति को हम बेचते हैं इलाज के लिए। मगर अभी मोदी सरकार के गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने हमें काफ़ी मदद दिए हैं, तो इसलिए हम लोग इसको लाभ उठाना चाहिए। ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना को हम लोग लाभ करना है, हर आदमी रजिस्टर करना है और आदमी कार्ड रखना चाहिए, बीमार होने से वो कार्ड से हम इलाज कर सकते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। और इसका बाद मोदी सरकार ने एक ऐसे काम कर दिए हैं, एक ऐसे स्कीम बनाया है, जैसे हर साल 6,000 रुपया मिलते हैं फार्मर लोग को। फार्मर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और रजिस्ट्रेशन करने से साल में 6,000 मिलते हैं वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा। और इसका बाद मोदी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के प्रति काफ़ी काम किए हैं, जैसे होलोंगी ग्रीन पिल एयरपोर्ट बना दिया है रिकॉर्ड टाइम में। पहले हम लोग का चिल्ड्रेंस को, स्टूडेंट्स को हम लोग चढ़ने के लिए हम लोग गुवाहाटी जाते थे, हम लोग डिग्रीपुर जाते थे फ्लाइट पकड़ने के लिए, लेकिन आजकल ग्रीन पिल डोनीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर में बनने का बाद अभी हम लोग अपना बेटा बेटी को दूर में पढ़ने वाला को बेचने के लिए हम लोग अपना स्टेट में, अपना स्टेट कैपिटल में ही हम लोग टिकट बुक करके उसको बेचता है। और मोदी सरकार ने ये बहुत काम किए हैं, जैसे अरुणाचल ट्रांस हाईवे आप लोग देखते होंगे, ईस्टर्न पार्ट से लेके वेस्टर्न तवांग तक तो
इतना बड़ा बड़ा बढ़िया रास्ता बना दिया है अरुणाचल ट्रांस हाईवे के अंतर्गत, और काफ़ी टनल भी बना दिए हैं, जैसे नेचेपू खत्म हो गया और चेला अभी काम चल रहा है, और इसका बाद रेलवे में भी काफ़ी सुधर आया है। पहले मुरकोंग सेलेक तक था, अभी मुरकोंग सेलेक पासीघाट जाएंगे, इसका बाद परशुराम कुंड और आगे जाएंगे रेलवे में, और इसका बाद हमारा स्टेट में हमारा बीजेपी सरकार और पेमा खांडू सरकार बढ़िया से चला रहे हैं। एक तो बढ़िया एक रिफॉर्म्स लाए हैं पेमा खांडू सरकार ने, जैसे अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, पहले लीडर्स लोग बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग अपना मन मर्जी से अपॉइंटमेंट देते थे गवर्नमेंट सर्विस को, मगर अभी ऐसा नहीं है, जो स्टूडेंट जानते हैं पढ़ाई जानते हैं उनको मिलेगा। और इसका बाद पेमा सरकार ने ई फाइल ई ऑफिस किए हैं सिविल सेक्रेटेरिएट ईटानगर को, पहले फाइल को पियोन्स लोग और नेता लोग हाथ में बुक के ले जाता था, मगर आजकल आप हाथ में फाइल लेते हुए नहीं देखेंगे, एक टेबल से दूसरा टेबल में ई फाइल करता है अभी। इसका बाद विधानसभा में भी ई विधान है, वहाँ भी पेपर ऊपर नहीं है, जो असेंबली में बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है वो ई विधान से होता है, जैसे अपना हर एक विधायक का टेबल में कंप्यूटर होता है, उसी से शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होने से भी उसी से अपना पर्ची देंगे और स्पीकर से बात कर लेंगे उसी से, और अपना दोस्त को भी वहाँ से चेक करेंगे। तो ऐसे बना दिया है पेमा खांडू जी ने। और इसका बाद पेमा खांडू जी ने एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर में आन की आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर भवानी योजना, उसका तहत काफ़ी फार्मर्स को लाभ होता है, पावर टिलर सब्सिडी देते हैं और ग्रास कटर सब्सिडी देते हैं, और बाकी हॉर्टिकल्चर में आपका बनाना गार्डन, ऑरेंज गार्डन, पाइनएप्पल गार्डन सब्सिडी देते हैं, काफ़ी मदद करते हैं। और इसका बात मैं अपना विधान क्षेत्रों का बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, दो साल तो कोविड खा दिए हैं, बाकी जो दो साल में अभी एक साल बसा है, दो साल में मैंने काफ़ी ट्राई किया है, मैंने विधायक चुनने का बाद मैंने दो एम्बुलेंस एमएलएलए से खरीदा है, एक पायुम के लिए एक जमलो मोबुक सर्कुल के लिए, और इसका बाद 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस दो लाया है, अभी 32 रुमगोंग में चार एम्बुलेंस है, जो गाड़ी जिसका पास गाड़ी नहीं है जिसका पास साधन नहीं है वो एम्बुलेंस को यूज़ कर सकते हैं, और अभी वो चालू है। और इसका बाद मैंने सोचा है और मैंने देखा है हमारा पड़को लोग देरे में ही केबंग करते हैं, मीटिंग करते हैं और सोशल गैदरिंग में गैदरिंग भी देरे में करते हैं, तो मैंने देखा है ये देरे एक इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने 24 देरे बनाया है 24 देरे। और इसका बाद मैंने रास्ता में भी ध्यान दिया है, जैसे अभी बना रहा है रुमगोंग एडीसी हेडक्वार्टर तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बोलें,
50 करोड़ लागत से बना रहा है, ऑलरेडी धनराशि आवंटित किया है। और मैंने शिप इंजीनियर से बात करके मैंने इनिशिएट किया है, डीपीआर मैंने बनवाया है 50 करोड़, लेकिन अभी दो भाग में हो रहा है। बोलेंग एक डिवीज़न है, रुमगोंग एक डिवीज़न है, अपना एरिया का हिसाब से वो धनराशि भी बता है। अभी काम चालू है, वो जल्दी से वो काम बन जाएगा। वो बन जाने का बाद यातायात के लिए अच्छा हो जाएगा। और इसका बाद रुमगोंग टू योगोंग रास्ता भी अभी बन रहा है, कुछ दिन का बाद वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने दो बार अपना गाड़ी लेके योगोंग दरे तो पहुंच गया है, वहाँ मीटिंग किया है, अभी काम चल रहा है। और इसका बाद मोलोंग टू योसिंग भी बन चुका है, परमिशन कटिंग। बाद में हम लोग ब्लैक टॉपिंग PMGHY से या दूसरा हम लोग 500 से ले लेंगे। और एक तो बिंगोंग बस्ती है, उसमें बिल्कुल रास्ता नहीं था, अभी रास्ता बना दिया है। पांकेंग टू बिंगोंग बाया शिपिंग बना दिया है, और मोलोम से डायरेक्ट बिंगोंग बना दिया है, दो रास्ता से बिंगोंग बस्ती को जोड़ा है। और इसका बाद एक तो बड़ा काम किया है ये पेमा खांडू जी ने, हमको और तर्तितु रुमगोंग को प्यार किया है, उसमें एक रास्ता, बड़ा एक रास्ता प्रोजेक्ट बना दिया है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम पगाक टू गते। वो रास्ता बन जाने से रिगोंग कनेक्ट होगा, और मेगा भी कनेक्ट होगा, बगू कनेक्ट होगा, और गामिंग कनेक्ट होगा। उसका बाद फिर उसमें गासेंग गाते में इन फ्यूचर में चला जाएगा। उसका धनराशि जो है 20 करोड़ है, वो भी ऑलरेडी सेंक्शन हुआ है, टेंडर भी हो चुका है, इस विंटर से चालू करेंगे। तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट का, पेमा खांडू सरकार का देन है। हम 32 रुमगोंग का वासियों अच्छा लगता है। और इसका बाद एक तो बहुत पुराना डिमांड था पायुम सर्कुल का लोग, पायुम सर्कुल कांदर में 13 विलेजेस है, 13 गांव है, 13 गांव है। तो यहाँ काइंग में आने के लिए, कुछ काम के लिए, वीडियो ऑफिस में काम करने के लिए बहुत तकलीफ था, इसलिए पायुम लोगों ने डिमांड किया है अब एक न्यू सिटी ब्लॉक क्रिएशन करना है बोल के। मैंने CM को रिक्वेस्ट किया है, तो CM ने आशीर्वाद दे दिया है, अभी पायुम में एक न्यू सिटी ब्लॉक क्रिएशन हुआ है। और इसका बाद काफ़ी सस्पेंशन ब्रिज बनाए हैं, जैसे आपका गाते जाने के लिए वो साइना बरदार है, उधर जाने के लिए एक नदी है, सिंजोत नदी है, उसको पार करने के लिए ब्रिज बनना पड़ता है, तो उसमें मैंने एक अच्छा सस्पेंशन ब्रिज बनाया है। लेकिन इसका बाद गाते और गासेंग ज्वाइन करने के, उधर जाने के लिए एक बीच में एक नदी है, इसका सिली नदी है, उसमें भी मैंने एक सस्पेंशन सेंक्शन करवाया है SIDF से। और इसका बाद गासेंग जाने के लिए सिंजोत नदी क्रॉस करना पड़ता है, तो उसमें भी मैंने एक सस्पेंशन ब्रिज बना दिया है, चुंदर से एल्युमिनियम प्लेट बिछा दिया है। इसका बाद गासेंग और गामिंग जाने के लिए बीच में एक नदी है, वो याक नदी है, उसमें भी एक सस्पेंशन ब्रिज हम सेंक्शन करवाए हैं SIDF से। और इसका बाद एक पीसोंग ब्रिज है गामिंग जाने के लिए, उसका भी बना दिया है। लेकिन इसका बाद फिर आके यहाँ बगू में एक टूटा फूटा एक सस्पेंशन ब्रिज था, मैंने उसको एक सुंदर से एक बढ़िया से एक सस्पेंशन केतले में बना दिया है, लुक खुशी है। इसका बाद काफ़ी यहाँ लोअर रीजन में भी सस्पेंशन ब्रिज बनाया है, उसमें 4-5 है टोटल मिला के, 13-14 होगा सस्पेंशन ब्रिज।
इतना कम समय में। इसका बाद मैंने देखा है हमारा 32 रुमगोंग में रोइंग WRC पिल बहुत बड़ा है, रांको बहुत बड़ा WRC पिल है। उसमें मैंने चाहा उसमें इरिगेशन लाने से ठीक रहेगा ताकि प्रोडक्शन बढ़े। तो प्रधानमंत्री कृषि योजना से मैंने रोइंग को इरिगेशन चैनल बना दिया है बढ़िया से, और रांकोप को बना दिया है, और यहाँ केरंग में भी कायंग चारको में एक इरिगेशन चैनल बना दिया है, और छोटा मोटा और बहुत काम बना दिया है, और मैं बनाते रहूँगा। और हमारा गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट और पेमा खांडू गवर्नमेंट को लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, अच्छा सभी को ड्यूमिल करने के लिए, मगर सास को आस नहीं है। प्योर गोल्ड डस नॉट पियर द फ्लेम। थैंक यू।